Se não está passando, né? गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। राजीव राय भटनागर जी, श्री राजा एजाज अली साहब, चेयरमैन कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहिबा, नीलोफर खान, डॉक्टर नीलोफर खान, आईजी कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री, डीसी श्रीनगर, डीसी बारामूला, एसएसपी बारामूला, यहाँ डॉक्टर सैयद जलाल अहमद प्रिंसिपल कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी मेंबर्स आज के कार्यक्रम में उपस्थित, सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस, इनोवेशन और वर्तमान इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक टैलेंट नर्चर करने के लिए राजा एजाज अली साहब ने इस प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में आने वाले समय में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ब्रांड और उसकी प्रतिष्ठा नए मुकाम हासिल करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सितंबर से इस कॉलेज के प्रथम सेशन का शुभारंभ होगा। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत में इस महीने की एक न्यूज रिपोर्ट मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। 11 जुलाई को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले 2-3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स की क्षमता वाले 10 लाख से अधिक इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। उस न्यूज रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी जो वर्कफोर्स काम कर रही है उसमें से 50% इंजीनियर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में री स्किलिंग की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि यह न्यूज रिपोर्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी अब व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एकेडमिक कोर्सेस में परिवर्तन, ट्रेनिंग और इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना होगा। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वह रिलेवेंट कैसे बना रहे, और वो तभी संभव है जब कॉलेज इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा कर सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राजा एजाज अली साहब और उनकी टीम मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग जैसे अनेक विस्तृत कोर्सेस के अलावा व्यापक स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं जो इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ावा देगा। वर्तमान समय में भारत के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर का टर्नओवर तकरीबन 250 अरब डॉलर है और ये हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। लगभग 54 लाख इंजीनियर सीधे तौर पर आज इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस सेक्टर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है इंजीनियर्स के मौजूदा स्किल्स और इंडस्ट्री की जरूरत के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में देख रहा था
TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का। ऐसी आईटी कंपनी वर्कफोर्स के स्किल्स और मौजूदा जॉब्स की पोजीशन के लिए आवश्यक स्किल्स के मिसमैच से आज जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। इसी वर्ष जून महीने में TCS ने कहा था स्किल्स की कमी के कारण 80,000 नौकरियों की वैकेंसी को भरने में असमर्थ है और इसलिए अब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग वाले इंजीनियर्स की संख्या को दोगुना करने का प्रयत्न प्रारंभ किया है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आजकल आए दिन सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें होती हैं कि साहब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए तो नौकरी है ही नहीं, उनका कैंपस प्लेसमेंट पहले की तुलना में काफी कम हो रहा, मुझे लगता है ये बातें बेबुनियाद हैं। आज इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की कंपनीज में प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। वर्तमान समय में इंडस्ट्री के लिए आवश्यक स्किल्स वाली वर्कफोर्स की ही वैकेंसी बढ़ रही है और अगर आपके पास स्किल सेट है तो आपको नौकरी या जॉब की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अब हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि सिर्फ डिग्री अब काफी नहीं है। अब डिग्री और उससे जुड़ा हुआ स्किल सेट वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप है कि नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मई जून के महीने में एक रिपोर्ट आई थी कि बड़े बड़े कॉलेज के हजारों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। आज सिर्फ इनोवेशन महत्वपूर्ण नहीं रह गया है बल्कि इनोवेशन का कमर्शियलाइजेशन और उसकी गति ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स की टेक्नोलॉजी से संबंधित इनोवेशन में पिछले वर्ष की पहली छमाही की तुलना में इस वर्ष जो ग्रोथ है वो 25% ज्यादा है। इसके साथ ही साथ नए टेक्नोलॉजी के आईपी प्रोटेक्शन के लिए किए जा रहे एप्लीकेशन में भी भारी मात्रा में वृद्धि हुई है, जो इस बात को दर्शाती है कि कंपनीज अब आईईसी मॉडल पर विशेष रूप से ध्यान दे रही हैं। आईईसी माने इनोवेशन इवोल्यूशन एंड कमर्शियलाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस वर्ष मार्च में एक आंकड़ा जारी किया था जिसके मुताबिक हर 6 मिनट में एक नई टेक्नोलॉजी के आईपी प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल हो रही है। मुझे विश्वास है इस संस्थान के टैलेंट्स जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स, इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप में एक नई क्रांति को जन्म देंगे। मैं एक बार पुनः कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टीम, राजा एजाज साहब और जिन लोगों ने भी इसको मूर्त रूप देने में अपना सहयोग दिया है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और हृदय से धन्यवाद देता हूं। तथा 1 सितंबर से शुरू हो रहे पहले सत्र, पहले सेशन के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।